बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वर्ड इन्फो अकेडमी। आज मैं आपको एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताऊंगा। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान सुपर लीग। आज मैं आपको पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा, PSL की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आप सबको पता है पाकिस्तान सुपर लीग T20 मैच पर मुश्तमिल है और ये टीम 6 टीमों पर मुश्तमिल है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इस लीग का आगाज 9 सितंबर 2015 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था। अगर इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो PSL को नजम सेठी की मेहनत से इस सीरीज़ का आगाज़ किया गया। नजम सेठी ने 2015 में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी चीफ थे। 2016 में PSL की सीरीज़ का आगाज़ पाकिस्तान की 5 टीमों के साथ हुआ और आपको इस लेक्चर में इस वक्त PSL 8 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहला MCQs ये है कि 2016 से 2017 तक जो PSL हुआ, जो शुरू की गई PSL, वो 5 टीमें इस PSL मैच में शिरकत करती रहीं और 2018 का जो तीसरा PSL मैच हुआ तो 2018 में एक और टीम जिसका नाम मुल्तान सुल्तान था उसको मिला लिया गया। तो तीसरा MCQs अगर देखें तो इस वक्त PSL में सबसे जो ज़्यादा विनर टीम है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है जो कि 3 दफ़ा PSL की चैम्पियन बन चुकी है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट PSL 8 के बारे MCQs है कि 2023 के शेड्यूल के मुताबिक इस दफ़ा जो PSL के मैचेस होंगे वो 34 मैचेस होंगे और आप सबको पता है कि PSL 2023 में ये जो पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं ये 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं और PSL 8 2023 के मैच जो 13 जनवरी 2023 से शुरू हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट MCQs है कि अगर करंट चैम्पियन PSL की बात करें तो वो टीम लाहौर कलंदर है। एक और MCQs आपको बताएं, इस वक्त 2023 तक PSL में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले जो बैट्समैन हैं उनका नाम बाबर आजम है। बाबर आजम ने अब तक 2413 रन्स बनाकर पहली पोजीशन PSL में बरकरार रखी हुई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको PSL टीम यानी कराची किंग, लाहौर, मुल्तान, क्वेटा, पिशावर, मुल्तान, आपको इन टीम्स के जो ओनर हैं उनके बारे में बताते हैं। पहली टीम है कराची किंग, उनके जो ओनर का नाम सलमान इकबाल है। दूसरी टीम लाहौर कलंदर, उनके ओनर का नाम फवाद रज़ा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको कोटा ग्लेडिएटर के टीम के ओनर का नाम बताते हैं, उनका नाम नदीम उमर है। इसके बाद एक और टीम है मुल्तान सुल्तान, इसके ओनर का नाम आलमगीर खान है। इसके बाद एक और टीम है जिसका नाम पिशावर जलमी है, उसके ओनर का नाम जावेद अफरीदी है। तो दोस्तों अगर इस मैच में 2023 का जो PSL करंट चल रहा है ये 6 टीमों पर मुश्तमिल है, अगर इन 6 टीमों के कैप्टन की बात की जाए तो इनमें कोटा ग्लेडिएटर टीम है, उनके कैप्टन का नाम सरफराज अहमद है। उसके बाद पिशावर जलमी, उसके टीम का नाम बाबर आजम है। इसी तरह मुल्तान सुल्तान एक टीम है, उस टीम के जो कैप्टन का नाम मोहम्मद रिजवान है। इसी तरह लाहौर कलंदर 2023 का जो PSL हो रहा है इस टीम में लाहौर कलंदर का कैप्टन न्यू बना है, उसका नाम शाहीन अफरीदी है। इसी तरह ही एक और टीम जिनका नाम कराची किंग है, उसके कैप्टन का नाम इमाद वसीम है। और लास्ट हमारे पास है इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके कैप्टन का नाम शादाब खान है। तो दोस्तों अगर PPSC पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सवाल एग्जाम्स में करंट PPSC के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं या होंगे तो उनमें ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो
तो दोस्तों हमें इजाज़त दें, मिलेंगे हम आपको अगले एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।